हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग जो हमारा स्टार्ट हो रहा है, आज हमारा है हल्दी का फंक्शन। तो देखिए, इधर सब लेडीज़ है और सबसे बड़ी ब्राइडल हमारी रेडी होकर तैयार होकर खड़ी है, और सारी हमारी जितनी भी लेडीज़ थी तेल चढ़ाने के लिए वो सारी आ चुकी थी, और सब अपने कर रहे थे थोड़ा सा गपशप। तो मैंने सोचा इन लोगों की वीडियो बना ली जाए, तो इतनी देर में मैंने फटाफट थोड़ा सा ब्लॉग बनाया। और इधर मैं भी आ चुकी हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल भले ही मैंने साड़ी पहनी थी पर मेकअप नहीं किया, सिंपल ही गई थी मैं। तो ये देखिए, मैंने थोड़ा सा मांग टीका भी लगाया है, और ये साड़ी पहनी थी, मतलब हल्दी की शेड में ही है। तो ये मैंने पहन ली थी। इधर हमारी ब्राइडल का जो है चल रहा था फ़ोटोशूट। तो हमारे जो फ़ोटोशूट में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो भी थोड़ा सा हो रहे थे परेशान, क्योंकि इनको भी लग रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है। तो सब अपना चलाने में लग रहे थे, अपनी एंट्री अपना अपना अलग तरीके से दिखा रहे थे। तो ये देखो, पीछे भी बच्चे खेल रहे हैं, तो सब अपने अलग अलग पार्टी बना के बैठे हुए थे। छोटे बच्चे अलग, बड़े अलग, और जितना ये दीदी बैठी हुई हैं, इनके पैरों में थोड़ा दर्द था तो ये नीचे ही बैठ गए थे। हमने कहा भी था कि चेयर ले लो, तो करे नहीं। तो इधर देखिए, देखिए ये हम लोग आ चुके थे अपने ग्रुप के साथ पूरे। तो सबसे आगे मैं थी, क्योंकि इसमें मैंने भी साड़ी पहनी हुई थी, तो मैंने सोचा एक थोड़ा सा वीडियो जो हमारा है वो भी मैं डाल लेती हूँ अपना पूरा लुक के साथ। और ये हमारा फ़ोटोशूट पूरे ग्रुप का चल रहा था, तो ये इन लोगों ने अलग अलग तरीके से इस तरीके से एक मतलब शॉर्ट्स और रील्स बनानी थी, तो ये उसके लिए रेडी हो रहे थे। और क्योंकि वीडियो कैमरामैन भैया को भी चाहिए थी वीडियो, तो इसलिए उन्होंने भी शूट किया। और ये हमारे जो ब्राइडल है, इन्होंने चश्मा भी लगाया था, चश्मा लगाकर थोड़ा सा फ़ोटोशूट अलग था। तो इस तरीके से देखो, सारी की सारी खड़ी हुई थी वहाँ लेडीज़ है, जितनी भी मतलब तेल चढ़ाने वाली लेडीज़ होती है वो अलग होती है ना, तो हमारे यहाँ तो वही सब खड़ी हुई थी। और इधर से अलग अलग पोज में इनका फ़ोटोशूट हो रहा था, क्योंकि जितनी भी लेडीज़ थी तो उनको भी रील्स वगैरह बनानी थी। तो सब अपने अपने फ़ोन लेकर खड़े हुए थे, अपने अपने फ़ोन से ही अपनी वीडियो जो है रील्स बना रहे थे, शॉर्ट्स बना रहे थे, जो भी मतलब बनाना था उनको सब तैयार कर रहे थे। तो इधर अपने कैमरामैन वाले भैया अलग, और ये था, ये है इनकी मम्मी। इनकी मम्मी को थोड़ी सी बेटी है ना, तो इमोशनल हो गए थे, तो ये बहुत ज़्यादा रोने लग गए। तो फिर इनको थोड़ा सा ये थोड़ा इसमें दिख रहे हैं, पर इसके बाद थोड़ा सा इमोशनल, इन्होंने गाना भी ऐसे चल रहा था तो एकदम मतलब गले लग के रोने लग गए थे, तो इनको थोड़ा कंट्रोल किया फिर बाद में। तो इधर इधर शुरू हो चुका था इन सब का डांस, क्योंकि मुझे तो फाइनली डांस आता नहीं है, तो मैंने तो डांस नहीं किया, पर लेकिन मैंने वीडियो पूरी रिकॉर्ड की है। तो ये लोग अपने अपने अलग अलग सॉन्ग पे डांस कर रहे थे, क्योंकि मैं डाल नहीं सकती हूँ सॉन्ग, नहीं तो बहुत अच्छा लग रहा था, कॉपीराइट आ जाएगा। तो इसी तरीके से मैंने सोचा कि इन लोगों की जो है ये कैमरे में कैद कर लिया जाए। तो ये मैंने जितने भी ये नंद भाभी का डांस हो रहा था, तो ये भी मैंने सोचा थोड़ा बना लेती हूँ। तो ये इन्होंने सब ने मिलकर खूब अच्छा ग्रुप डांस किया था। और ये देखो, दोबारा से फिर इन्होंने सॉन्ग लगाया था, तो वो सॉन्ग ही ऐसे लगा रहे थे, मतलब कि ना जो ग्रुप वाले डांस होते हैं ना, तो वो अच्छे से हो जाते हैं। तो इनकी भाभी थोड़ा सॉन्ग सेट करने गई थी, तो अभी ये रुक गई थी, तो इन्होंने इनको भी खींच लिया। तो चलिए कि हम डांस करते हैं, तो सब देखो कितने अच्छे से, खूब अच्छे ब्राइडल को बीच में खड़ा करके और खूब अच्छे से डांस कर रहे थे, मतलब कि लग रहा था कि हाँ कि फंक्शन बहुत अच्छा है। देखो सब अपनी उनकी जो है बीच में खड़ा करके खूब अलग अलग स्टेप्स के साथ, अलग अलग सॉन्ग के साथ खूब मस्ती कर रहे थे। जिसको नहीं आता वो भी कर रहा था, और जिसको आता है तो वो तो कर ही रहा था, क्योंकि और ये इनकी फ्रेंड्स है, तो इन्होंने अपना एक थोड़ा सा अलग से शूट दिया था। तो ये वही हैं, और ये इनकी भाभी और नंद वगैरह फ्रेंड्स वगैरह जितनी भी हैं, तो ये सब हैं, मतलब रिलेशन तो पता नहीं है पर सारे पर, लेकिन ये है कि काफ़ी अच्छे से इन्होंने मैनेज कर रखा था। और होता भी है कि एक याद रहती है, तो इस तरीके से इन्होंने अपनी याद के लिए थोड़ा सा ये जो है फ़ोटोशूट करवाया था। तो ये मैंने तो मतलब शॉर्ट थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में लिए हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा बनाती तो फ़ोन में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि काफ़ी स्पेस चाहिए होता उसके लिए भी, क्योंकि फंक्शन इतना बड़ा हो गया था ना, तो इसलिए तो शॉर्ट में ही बना पाई हूँ। ये इनके भैया भाभी हैं, तो ये भैया भाभी इनके कर रहे थे कपल डांस। तो कपल डांस में इन्होंने किया, काफ़ी अच्छा किया, पर लेकिन बढ़िया लग रहा था, क्योंकि इनका जो सॉन्ग था वो बढ़िया लग रहा था जो कर रहे थे। पर लेकिन यह है कि इनके बड़े भैया अभी आएंगे उसके बाद, तो वो थोड़ा सा शर्मा रहे थे, पर इन दोनों ने, ये छोटे वाले भैया ना, तो बहुत अच्छा डांस किया दोनों ने मिलके। तो अब इनके बड़े भैया की भी कर रहे थे कि चल सोचते हैं कि उनको से भी डांस करवाते हैं, लेकिन पर वो आने के लिए तैयार ही नहीं थे। देखो अब आया ना, तो ये करने के लिए तैयार नहीं थी भाभी, खुद ही अकेली करे। फिर उन्होंने खुद ही नंद को ही खींच लिया कि चलो कर लेते हैं डांस। और इधर ये फिर दोबारा से हो गई थी स्टार्ट लेडीज़ से डांस करने के लिए, और उधर बच्चे अपने अलग ग्रुप में लगे हुए थे पीछे, वो भी खूब अच्छे से डांस कर रहे थे। जितने भी थे सब ने इन्जॉय किया, काफ़ी अच्छा मतलब वो था। तो
अभी हमारी हल्दी की जो है शूट वगैरह हो गया कंप्लीट, तो अब हमने जो थोड़ा बहुत करना था तो लास्ट का, तो वो हम दिखाती हूँ। ये इस तरीके से ग्रुप में इन्होंने लास्ट में किया है ये, क्योंकि ताकि ये रहे कि इसका जो फ़ोटो वगैरह है और वीडियो है वो अच्छे से रिकॉर्ड हो जाए, क्योंकि इसके बाद हमने लड़की को चढ़ानी थी हल्दी। अब ये हमारी हो गया हल्दी की तैयारी। तो ये देखिए हमारे, तो हल्दी का जो शूट है वो अलग है और जो हमने हल्दी चढ़ाई है वो अलग है, क्योंकि ये हमें शूटिंग के लिए रखना था। तो ये इस तरीके से अब इनकी भाभी जो है सबसे पहले कर रही है तैयारी। तो आई होप वीडियो को पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करके बता।